गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 26 अक्टूबर दिन शनिवार, केशवपुर मंडी। दोस्तों कॉलिंग के माध्यम से जानेंगे केशवपुर मंडी से टमाटर का भाव आज क्या कुछ बाजार है, कल के मुकाबले आज बाजार में क्या कुछ तेजी मंदी देखने को मिल रहा है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। बढ़िया जी, बढ़िया सर जी। आज का मार्केट का कैसा अपडेट है जी? कितना मार्केट में आज मार्केट में बड़ी गाड़ी 14-15 है, जिसमें बेंगलोर, महाराष्ट्र, ठीक है, ये सब है, और बाकी 10-12 गाड़ी सिलाई की भी आई हुई है। कोटपुतली भी आज 500 के रेट। अच्छा, कोटपुतली अब अराइवल ठीक ठाक होने लग गया जी? हाँ ठीक हो गया, बढ़ रहा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ओके। दिवाली के बाद पकड़ेगा, एकदम जोर पर मारेगा। अच्छा, ये तो फिर दिवाली के बाद तो सिपूरी भी चालू हो जाएगा शायद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर, तो सर जी आज ग्राहकी कैसा रहा जी मार्केट में? ग्राहकी ठीक है, माल बिक रहे हैं, अच्छा बिक रहे हैं। ओके, तो सर जी आज कल के मुकाबले बाजार टाइट है या फिर थोड़ा सा ढीला है जी? कल के मुकाबले 100 रुपए तक डाउन है, माल बढ़ रहे हैं ना धीरे धीरे, कोटपुतली बढ़ गया, सिलाई बढ़ गया, ठीक है जी, महाराष्ट्र भी आ रहा है, बढ़ रहा है। ओके, और ग्राहकी पहले से कुछ कम हुआ है? ग्राहकी जैसे जैसे डाउन होता जाएगा माल का बिक्रा खुल जाएगा। अच्छा, क्योंकि हर लोग की पहुंच में हो जाएगा ना माल, 40-50-60 रुपए किलो हो जाएगा, तो लोग हर कोई आज खाना शुरू कर जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, जहाँ जो पाव खा रहे थे वो आधा किलो, एक किलो। जैसे जैसे मार्केट डाउन होगी बिक्रा खुल जाएगा। अच्छा, तो सर जी कल भी रेट डाउन देखने को मिला, आज भी डाउन देखने को मिला? हाँ जी, आज और डाउन है, कल और डाउन रहने की उम्मीद है। अच्छा, तो अभी ये जो सप्ताह रहेगा सर, ये सप्ताह का तो आज मतलब अगला जो सप्ताह आने वाला जो रहेगा, देखो अगला सप्ताह कुछ त्यौहार की वजह से ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मार्केट डाउन होने है आगे। अच्छा, वो मेन कारण रहेगा अराइवल? हाँ, त्यौहार की छुट्टी की वजह से माल कभी कम बढ़ती हो सकता है किसी एक दो दिन जी, नहीं तो माल बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है जी, तो सर जी सबसे पहले अपने पास जो गाड़ी आया था जी उसका बता दीजिए, अपने पास कहाँ का गाड़ी आया? महाराष्ट्र के हाइब्रिड बिके हैं 1000 रुपए के। अच्छा, और जो बेंगलोर वाले हैं लगभग गाड़ियां गीली हैं, माल हल्के हैं, 900 से लेकर 1100 रुपए। 900 से लेकर के 1100 रुपए। औरंगाबाद 1000 से 1100। अच्छा, बाकी कोटपुतली बिक रहा है 1000 से 1100, सिलाई बिक रहा है 1000 से 1200-1300 तक। अच्छा, बस ये बाजार है जो है। और बेंगलोर वाला क्या रेट बताए सर? बेंगलोर 900 से 1100, जो गीले पीले हैं वो 900 रुपए के, जो अच्छे माल है 1100 के, 1000 के, 1100 के, ऐसे बिक रहे हैं। ठीक है जी, तो सर जी कहाँ पे आकर के बाजार को सपोर्ट मिलेगा जी दिवाली के बाद? देखो दिवाली के बाद जो माल रहेगा 700-800 तक रहना चाहिए। अच्छा, 700-800 तक। हाँ जी, तो फिर किसी जगह का माल कम हो जाएगा जी आना? माल आना कम तो सब चलते रहेंगे, अभी महाराष्ट्र आ रहा है, बढ़ ही रहा है धीरे धीरे। अच्छा, कोटपुतली बढ़ रहा है, सिलाई बढ़ रहा है। ठीक है जी, अभी दिवाली के बाद एक जोर मिलेगा, झटका आएगा महीने का, माल का जोर लगेगा। अच्छा अच्छा, ओके, तो सर जी एक बार शॉप नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर? दुकान नंबर 195 कमल वेजिटेबल कंपनी, 70-11-205। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, आज का मंडी का माहौल कैसा है, क्या कुछ है जी? बाजार सर मंदा है, बहुत मंदा है, और मंदा है। अच्छा, हाँ जी, 17-18 गाड़ी बड़ी है, जिसमें 5 गाड़ी हाइब्रिड की है, बाकी सारा देसी है, और सिलाई की तो आज 3-4 ही गाड़ियाँ आई है बस, जो है सिलाई बड़ी। हाँ जी, कोटपुतली की आई है, 4 पिकअप कोटपुतली की है। ठीक है जी, जी तो सर जी अगर बात करें एरिया के अकॉर्डिंग भाव का, तो आज क्या क्या भाव रहा जी? हाइब्रिड बिक रहा है सर 1100-1200 रुपए। ठीक है जी, और बेंगलोर का भी आप 1000 से लेकर 1200 रुपए मान लो, औरंगाबाद भी 900 रुपए से लेकर के 1200 रुपए है, ठीक है, और सिलाई वाला बिक रहा है सर 1000 रुपए से लेकर के 1200-1250 रुपए तक। 1000 से 1250-1250 रुपए, 1250 रुपए, कोई बहुत बढ़िया सुपर लाट होगा तो 1300 रुपए। अच्छा, सिलाई का? जी सर। ओके, तो सर कोटपुतली बिक रहा है सर, कोटपुतली 700 रुपए से लेकर के और 1100-1150 रुपए तक। 700 से लेकर के 1100-1150 रुपए, जी सर, कोई बहुत बढ़िया होगा 1200 रुपए बस। अच्छा, तो सर बाजार डाउन आने का कारण क्या है? बाजार डाउन आने का कारण सर, एक तो ग्राहकों का आगे त्योहारों के चक्कर में थोड़ी दुकानदारी कम हो गई है। अच्छा। और टमाटर जैसे जिस रेंज में ले जा रहे थे उस रेंज में आगे घास का पूरा बिक नहीं रहा था, जो है। ठीक है जी, ये है। और कुछ देसी की आवक में भी बढ़ोतरी हुई है, औरंगाबाद वगैरह का जो है गाड़ियाँ, जो एक आध गाड़ी दो गाड़ी आ रही थी, वो गाड़ी देसी का माल बढ़ा है, औरंगाबाद का कन्नड़ का माल जो आता था वो माल थोड़ा बढ़ा है उसमें, जो है बढ़ा। ओके, हाँ जी, कोटपुतली भी बढ़ा है जी अब तो।
हाँ कोटपुतली भी स्टार्ट हो गया है, एक दिन एक पिकअप थी, दूसरे दिन दो हुई, आज चार आ गई हैं। तो ये भी धीरे धीरे जो है अब दिवाली तक जो है लगभग जो है 8-10 पिकअप की उम्मीद है कि 3-4 दिन में 8-10 हो जाएंगी अभी। ठीक है जी, हिमाचल का आता रहेगा सर या अभी कम होगा चल के आगे? देखो हिमाचल का कोई पता नहीं जी, माल तो अभी भरपूर है, छोटी मंडियां इतना शायद खपा ना पाए। अच्छा। तो माल तो आता रहेगा जो है, वैसे बाजार डाउन हो जाएगा लेकिन माल आते रहेंगे जी। ओके, और बाजार डाउन होने का पीछे कारण क्या बनेगा सर जी? सर पीछे भी दिवाली के चक्कर में कुछ तो जैसे दिशावरी फील्डें जो होती है महाराष्ट्र बेंगलोर वगैरह की औरंगाबाद की, वहाँ से जो है कस्टमर व्यापारी लोग निकल आते हैं, दिवाली घर पे मनाना चाहते हैं। हाँ जी, तो वहाँ फील्ड में जैसे कस्टमर कम हो जाते हैं तो बाजार थोड़ा मंदा हो जाता है। कल फील्डों में भी जो बाजार मतलब 20 किलो का 600-700-800 रुपए बिक रहा था, वो 400-500-600 रुपए आ गया है। अच्छा। पीछे भी बाजार टूट गए हैं जो है, ठीक है। तो वो उसका कारण यही है कि दिवाली के चक्कर में बहुत सारे लोग जो है वहाँ से निकल आए हैं जो है। ओके, और सर जी अभी जो बरसात से महाराष्ट्र में और आपका बेंगलोर में क्वालिटी खराब हुआ था और प्लांट में भी काफी डैमेज देखने को मिला था, तो उसमें अभी कितना कवरिंग आ चुका है सर? वो थोड़ा कवरिंग हो रही है, अब धीरे धीरे हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे। अब जैसे कन्नड़ में बारिश हो रही थी संभाजी नगर में, तो बारिश रुकने के बाद अब क्वालिटी में बहुत अच्छा सुधार आया। आज की डेट में अगर आप दिशावरी मालों में माना जाए तो बेंगलोर से अच्छा जो है औरंगाबाद का संभाजी नगर वाला टमाटर आ रहा है जो है। अच्छा। हाँ जी, और बेंगलोर की भी धीरे धीरे क्वालिटी सुधर जाएगी वो भी जो है। ओके। हाँ जी सर जी, अभी हाइब्रिड टमाटर जो आ रहा है वो अभी किस जगह से आ रहा है, और हाइब्रिड का क्या आगे चल के अराइवल बढ़ेगा या अभी कम होगा जी? हाइब्रिड की बढ़ेगी थोड़ी, अभी तो गिरनारा का और नासिक का ही आ रहा है पिपलगांव का। अच्छा। और टमाटर वो भी 1150-1200 रुपए की रेंज में बिक रहा है। अब थोड़ा बाजार जैसे मंदा हुआ है तो थोड़ा बढ़ोतरी भी होगी माल में, लेकिन अभी दिवाली के चक्कर में लोग माल कम भरवा रहे हैं पीछे, क्योंकि ये सारा माल ऑर्डर पे आता है, किसान तो आते नहीं इसके, ये सारा माल ऑर्डर पे भरा जाता है और दिवाली के चक्कर में जैसे दुकानदारी कम है तो उसके चक्कर में कम आ रहा है माल जो है। अच्छा। हाँ जी ठीक है जी, तो सर जी एक बार शॉप नंबर कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। शिमला फ्रूट कंपनी, शॉप नंबर 63, फोन नंबर है 92111-98400। धन्यवाद सर जी। ठीक है सर, धन्यवाद।